के नहीं बोलते हो आप लोग, वो उसने खाया। ही थ्रू यानी उसने फेंक दिया। द सीड बिहाइंड हिज ईयर, सीड यानी आम के, यानी जो आप मैंगो खाते हो उसमें एक सीड आती है, आपको पता है ना, तो वो सीड उस फ्रूट से पूरा खा लिया, मस्त मजेदार था, मीठा मीठा था, खा लिया, और उसकी जो सीड थी उसने अपने घर के पीछे साइड में फेंक दिया। ओके, मैनी मंथ्स लेटर, मैनी मंथ यानी बहुत महीने बीत गए, और उसने जो आम खाया था उसका जो बीज उसने फेंका था, ही सॉ ए प्लांट, जहां पे उसने ऐसे बीज फेंक दिया था तो वहां पे देखा एक छोटा सा प्लांट उगा। तो मुरली ने सोचा कि प्लांट है, पता नहीं कौन सा छोटा सा, पता नहीं चल रहा है, तो उसने रोज उस प्लांट को वाटर करना शुरू किया। तो पानी देते देते वो प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता गया। और आपको मैं एक बार बता दूं कि आप कोई भी सीड, कोई भी बीज मिट्टी में डालते हो तो छोटा सा प्लांट बनता है, लेकिन रोज जब हम उसको पानी देते हैं तो प्लांट को जब रोज पानी मिलता है तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है, बड़ा होता है। जैसे हमें जिंदा रहना है तो हमें क्या चाहिए, हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए और सांस लेना है। जिंदा कब रहेंगे, अगर हमें फ्रेश एयर मिलेगा, ऑक्सीजन, तो हम जिंदा रहेंगे। तीन चीज हमें जरूरी है जिंदा रहने के लिए। उसी तरह प्लांट्स को भी एयर, वाटर, सनलाइट, तीन चीज चाहिए। तो मुरली ने क्या किया, रोज उस छोटे से प्लांट को पानी देते रहा, और वो प्लांट धीरे धीरे एयर, वाटर, सनलाइट देते रहे, और वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। और कि वाटर जो प्लांट है अपने घरों में पानी देने लग गया, द प्लांट ग्रू इनटू बिग मैंगो, और धीरे धीरे वो प्लांट छोटा उससे बड़ा होते होते वो बहुत बड़ा मैंगो ट्री बन गया। अब मैंगो ट्री देखा तो मुरली को याद है कि वो, तब उसे याद आया कि बहुत महीनों पहले जब मैं मैंगो खा रहा था तो मैंने मैंगो खा के उसका सीड फेंक दिया था, मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन कुछ महीने के बाद वही प्लांट छोटा सा निकल के मैंगो का सीड जो फेंका मैंने, मैंगो प्लांट बना। तो उसने पानी दिया और उतना बड़ा प्लांट, इतना बड़ा झाड़ बन गया मैंगो का, और वो बहुत खुश हो गया। फिर क्या हो गया, आपको अच्छे से पता होगा कि समर सीजन में मैंगो का मैंगो फ्रूट आता है, और पीपल लव टू, पीपल, चिल्ड्रन, एवरीबडी लव, क्योंकि मैंगो ऐसा फ्रूट है ना, उसको किंग ऑफ द फ्रूट्स बोला जाता है। और मैंगो इट्स अ वेरी यूजफुल और बहुत ही टेस्टी फ्रूट है, क्योंकि इसके बहुत सारे यूज है। मैंगो जो जब कच्चा होता है तब मम्मा इसकी ना चटनी बनाती है, पिकल्स बनाते हैं, और इसको कट करके सब्जी बना के खाते हैं। ओके, एंड और बहुत लोग इसको सुखा के यूज करते हैं, बिकॉज पूरे सीजन में ये यूज हो सकता है। ओके, एंड पके हुए होते हैं, रॉ यानी कच्चे, जिनका हम बहुत सारे यूज करते हैं, और जो पके हुए हैं राइट, वो पके हुए फल का हम लोग जूस पीते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, उसको आइसक्रीम बनाते हैं, कट करके खाते हैं, क्योंकि इट्स वेरी जूसी और वेरी स्वीट फल टेस्ट है, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है मैंगो फ्रूट, और इट्स वेरी कलरफुल, सो रेड कलर के मैंगो आते हैं, येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं, सो एंड इट्स टेस्ट वेरी नाइस, पीपल लव हुई मैंगो, इट्स वेरी नाइस फ्रूट एंड टेस्टी। तो इस तरह से मुरली ने देखा कि मैंने तो ऐसे बीज ला दिया पर इतना बड़ा प्लांट हुआ। और आपको पता है मैंगो की मैं अगर देखते जाऊँ तो एक साथ हर साल अगर अच्छे से मैंगो ग्रो करते हैं, 1900 जितने तो मैंगो होते हैं, इतनी बड़ा पेड़ होता है और बहुत सारे बंच में मैंगो होते हैं, और पीपल जस्ट गेट सो मच इन ग्रेट क्वांटिटी मैंगोज, तो वो मैंगो खा सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। तो मुरली इतना खुश हो गया कि एवरी समर मैंगो, मैनी मैंगोज ग्रो रही थी, उसे खुशी हो गई थी, अरे वाह, हर समर यानी अब हर गर्मियों में मुझे तो इतने सारे आम मिलेंगे और मेरे पूरे परिवार को खाने को मिलेगा, और मैं अपने घर में भी चला सकता हूँ, और ये मैंगो को बेच के अपना घर का भी काम कर सकता हूँ, अड़ोस पड़ोस में भी दूंगा, मेरी फैमिली भी एंजॉय करेगी। सो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी दिस थिंग। नाउ मुरलीज चिल्ड्रन ईट द मैंगोज, और फिर हर गर्मियों में इतने सारे मैंगो होने लगे उसके झाड़ में कि उसकी वाइफ, उसकी फैमिली, उसके बच्चे सब खाने लगे और वो लोग मैंगो को एंजॉय करने लगे। तो फ्रॉम दिस लेसन यू थिंक वन थिंग, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप कभी कुछ काम अननोन बिना देखे करते हो पर पता नहीं उसका क्या रिजल्ट आता है। और मुरली के लेसन में यही होता है कि मुरली को पता नहीं था, उसने तो बीज ऐसे ही फेंक दिया बिकॉज ही डिडंट नो, पर इट गेव ए वेरी गुड रिजल्ट कि उसने वो बीज तो सीड तो ऐसे ही फेंक दिया, लेकिन वो एक बड़ा सा प्लांट बन, छोटा प्लांट बड़े ट्री में कन्वर्ट होके और इतना उसको फ्रूटफुल साबित हुआ, यानी गिफ्टेड हुआ कि उसको इतना सारे मैंगो मिले। तो यू मस्ट सी दिस कि आप कोई भी सीड आपको मिलता है तो आप उसको उगाओ, प्लांट्स को उगाओ, इट्स वेरी गुड थिंग। नाउ आई एम रिटन सम पार्ट ऑफ द बोर्ड एंड आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। ओके, चैप्टर 6।
आप लोग फैन ऑन कर दो, एसी कूलर, गेट सम रिलीफ फ्रॉम द हॉट समर सीजन। और जब गर्मी में बाहर निकलते हो तो यू वेयर कैप और कीप अम्ब्रेला, सो विद दिस यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सीवियर हॉट। ओके नाउ चिल्ड्रन, सी है चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे। एडी ए, एट यानी खाना, किसने खाया था मैंगो? मोली ने। अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस स्पेलिंग स्ट्रीम, सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। एन ए जी ओ मैंगो, टी आर डब्ल्यू ट्री, टी एच आर ओ now।